क्या डिमांड है आप लोगों की? देखिए, दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो 3 बार से प्रचंड बहुमत से जीत के आए हैं, उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। और किस दिन जेल में डाला गया? जब सुप्रीम कोर्ट से उनकी जमानत पर मोहर लगनी थी, जब सुप्रीम कोर्ट से उनके छूटने की पूरी संभावना थी, उस वक्त केजरीवाल जी को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया, ईडी कोर्ट ने उनको जमानत दे दी। तो मैं समझता हूं कि ये एक तानाशाही का बहुत बड़ा उदाहरण है और भारत के प्रधानमंत्री को जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के ऊपर बोलना चाहिए, इसको रोकना चाहिए, अरविंद केजरीवाल को रिहा करना चाहिए। इस मांग को लेकर आज हम लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं, अपना प्रोटेस्ट दर्ज करा रहे हैं और राष्ट्रपति जी का हम पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण होता है वो सरकार का लिखा हुआ भाषण होता है। उस सरकारी भाषण में वो लोकतंत्र को लेकर बड़ी बड़ी बातें कहेंगे, उस सरकारी भाषण में वो संविधान को लेकर बड़ी बड़ी बातें कहेंगे, लेकिन जो सच्चाई है जमीन की, पूरे देश में भारत के संविधान और लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, वेस्ट बंगाल में जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, महाराष्ट्र में जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, दिल्ली में जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, हमारे मुख्यमंत्री जेल में हैं, हमारे एक शिक्षा मंत्री को जेल में डाल दिया, स्वास्थ्य मंत्री को जेल में डाल दिया, मुझे 6 महीने जेल में रखा। तो इन सारे सवालों को लेकर आज हम लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं और हम लोग सरकार के लिखे गए भाषण का बहिष्कार कर रहे हैं। राष्ट्रपति जी के प्रति पूरा सम्मान है, उनका अपना कोई कार्यक्रम होगा तो निश्चित रूप से हम लोग उसमें शामिल होंगे। इंडिया ब्लॉक के लीडर से भी आप लोगों ने मदद मांगी है क्या? आज तो हमने अपने प्रोटेस्ट की शुरुआत की है, अब इंडिया ब्लॉक के भी नेताओं से बातचीत हो रही है और उनके समर्थन से भी इस आवाज को आगे बुलंद किया जाएगा।